शिवपुरी के नरवर पार वाली माता मंदिर के पीछे बूढ़ी अम्मा के मकान में एक खतरनाक नागिन घुस गई, जिससे बूढ़ी अम्मा की 3 मुर्गा मुर्गियों को नागिन ने डस कर मार डाला। वहां मुर्गी के अंडे रखे भी नागिन निगल गई। लोगों ने जब यह माजरा देखा तो तुरंत सर्प मित्र सलमान पठान को कॉल कर बुलाया। पठान तुरंत पार वाली माता पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्य शुरू किया तो देखा खतरनाक नागिन 3 मुर्गा मुर्गियों को मार कर उनके सामने बैठी है। जब पठान ने नागिन को बाहर निकाल कर उसके खाए हुए अंडे को बाहर निकलवाया तो देखने वाले दंग रह गए। पठान ने बताया कि कोई भी सांप अपने आकार से दुगुनी चीज को आसानी से निगल जाता है और जब सांप को खतरा महसूस होता है तो वही भोजन को वापस बाहर उगल देता है। पठान ने नागिन को सुरक्षित पकड़कर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया और गांव और शहर के लोगों से लगातार अपील भी कर रहे हैं, कभी भी किसी बेजुबान जीव जंतु को ना मारे क्योंकि जानवर हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। अगर आपके आसपास कहीं भी जंगली जानवर या फिर जहरीले सांप हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जहरीली नागिन ने ये मुर्गा मुर्गियों की जान ली है और अंडे भी काफी फोड़ दिए और खा चुकी है। कई अंडे इसके अंदर फूट चुके थे, 2 अंडे इसमें से साबुत निकले हैं। तो जी अपने भोजन को डायरेक्ट लीलते हैं, जब इनको खतरा महसूस होता है तो अपने खाए हुए भोजन को जी वापस उगल देती हैं। तो देखिए किस तरीके से अपने इसने उसको मारा है और उसी मुर्गी पर सर लगकर जाकर बैठ गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।